गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कल हमने वन पेज की हिंदी की थी, आज हम अपने दूसरे पेज की हिंदी करते हैं। लेट स्टार्ट आवर लेसन। नसुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड्स, स्ट्रंग इट, एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट एन एरो। अब नसरुद्दीन ने क्या किया, धनुष को पकड़ा, हेल्ड मीन पकड़ना, बो धनुष, अपने हाथ में धनुष को पकड़ा, स्ट्रंग इट, इसके ऊपर डोरी चढ़ाई यानी कि पतंचा चढ़ाई, एम्ड एट द टारगेट, और जो निशाना था अपना यानी कि जहाँ पे जो उसका टारगेट था, जहाँ उसको तीर मारना था वहाँ पे उसने निशाना साधा, एंड शॉट एन एरो, और अपना तीर छोड़ दिया। आवाज कैसे होती है, द एरो डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन अब की वह फिर से जो तीर था उसने अपने टारगेट पे वो जाके नहीं लगा, यानी कि जहां पे तीर को मारना था, जहां पे तीर को लगना था वहां पे तीर नहीं लगा। इंस्टेड इट फेल डाउन, इसकी बजाय वो नीचे गिर गया, समवेयर कहीं पे, इन द मिडल यानी कि वो बीच में कहीं पे नीचे गिर गया। इंस्टेड मीन्स की बजाय, हा हा हा, और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या करते हैं, जोर से हंसते हैं। हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग, और उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। दे सैड, उन्होंने कहा, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम, क्या ये तुम्हारा सबसे अच्छा निशाना है। फिर वो कहता, ओ नो, ओ नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। सैड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन ने कहा, डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप का बचाव करते हुए, डिफेंड मीन्स होता है बचाव करना, बचाना, कहता है, दिस वॉजेंट माई एम, ये मेरा निशाना नहीं था, इट वॉज आजाद सेम, ये तो आजाद का निशाना था, आई जस्ट शोड यू हाउ आजाद शूट्स एन एरो, मैं तो सिर्फ तुमको ये दिखा रहा था कि जो आजाद है वो कैसे तीर शूट करता है, यानी कि कैसे तीर चलाता है। सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप एनदर एरो, अब ये सब कह के जो नसरुद्दीन है उसने दूसरा तीर उठा लिया। एनदर दूसरा, पिक उठाना, पिक्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वंस अगेन, एक बार फिर से, ही स्ट्रंग द बो, उसने अपनी पतंचा चढ़ाई यानी कि डोरी धनुष पे चढ़ाई, एम्ड एट द टारगेट, अपना निशाना साधा, एंड शॉट द एरो, और तीर चला दिया। दिस टाइम, इस समय, द एरो फेल अ लिटल फर्दर, फर्दर होता आगे, यानी कि इस समय जो तीर था वो थोड़ा सा आगे जाके गिरा, फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, जो पहले गिरा था उससे बस थोड़ा सा आगे गिरा। बट इट सर्टेनली, लेकिन निश्चित रूप से, सर्टेनली मीन्स क्या होता है, निश्चित रूप से, डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन निश्चित रूप से इसका जो निशाना, जहां इसको तीर लगना था, जहां इसको तीर को मारना था वहां इसका निशाना नहीं लगा। दे आस्क्ड नसरुद्दीन, उन्होंने नसरुद्दीन से पूछा, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, और फिर वो कहते हैं, एंड दिस मस्ट बी, यानी कि नसरुद्दीन से बोलते हैं कि ये तो जरूर तुम्हारा निशाना होगा, क्योंकि जो पहली बार उसने तीर चलाया था नसरुद्दीन ने, उसने क्या बोला था कि ये तो आजाद का निशाना है, लेकिन इस पर उसके फ्रेंड्स ने कहा दूसरी बार तीर चलाने पे कि ये तो जरूर तुम्हारा निशाना होगा। फिर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, हाउ यू शूट एन एरो, तुम कैसे तीर चलाते हो। फिर जो नसरुद्दीन है वो कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, निश्चित रूप से ये मेरा निशाना नहीं था,
आर्ग्यूड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन जो है उनसे बहस करता है, आर्ग्यू करना, बहस करना। फिर कहता है इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, कहता है ये जो निशाना था वो मेरा नहीं है, ये भी निशाना, इवन होता भी, दिस एम वॉज नॉट माइन, माइन मीन्स होता है मेरा, कि ये निशाना भी मेरा नहीं है। कहता है इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, ये तो जो मुख्य जो गार्ड है, जो रक्षक है, ये तो उसका निशाना है। फिर कहता है नाउ अब समबड़ी रिमार्क्ड, और अब उनमें से कोई जो एक जो है टिप्पणी करता है, रिमार्क्स मीन्स क्या होता है, टिप्पणी करना, बात मारना या बोलना। फिर वो कहते हैं वेल अच्छा नाउ हुज नेक्स्ट ऑन, तो अब बता दो अब तुम किसका निशाना लगाओगे भाई, नेक्स्ट ऑन भाई अगला जो निशाना होगा वो किसका होगा भाई, तुम पहले से बता दो। द लिस्ट, अब वो क्वेश्चन मार्क लग जाता है। हियरिंग दिस, ये सब सुन के ऑल द फ्रेंड्स ब्रेस्ट आउट लाफिंग, ब्रेस्ट आउट होता है फूट पड़ना, ब्रेस्ट होना वैसे फूटना, ब्रेस्ट आउट लाफिंग मीन्स जोर जोर से हंसना, वो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं सभी उसके नसरुद्दीन के जो फ्रेंड्स होते हैं। फिर नसरुद्दीन डिडंट से ए वर्ड, नसरुद्दीन जो है कोई शब्द नहीं बोलता। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, और फिर वो क्या करता है वो चुपके से एक और तीर उठाता है, एंड अगेन, और दोबारा से, एंड दिस टाइम, और इस समय नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, और इस समय जो नसरुद्दीन था वो वास्तव में यानी कि उसका भाग्य ने उसका साथ दिया, वो भाग्यशाली था। द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, क्योंकि जो तीर था वो सही निशाने पे लगा था, और इसलिए वो नसरुद्दीन क्या था, लकी था। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, स्टेयर करना, एक टक देखना, घूर कर देखना। अब हर कोई क्या कर रहा था, नसरुद्दीन को घूर रहा था, यानी कि बिना पलक झपकाए नसरुद्दीन को देख रहा था। देर माउथ गैप इन अमेजमेंट, अमेजमेंट होता है हैरानी, यानी उनके माउथ जो है खुले हुए थे, अगेप होता है खुले रहना, यानी कि हैरानी से खुले रह जाना, उनके जो मुंह जो थे हैरानी से खुले रह गए। बिफोर एनी वन कुड से एनी थिंग, इससे पहले पहले कि कोई कुछ कहता, नसरुद्दीन सैड ट्रम्फेंटली, यानी कि अब जो नसरुद्दीन है वो एक पूरे ट्रम्फेंट होता है वीरता के साथ, यानी कि जीत की खुशी के साथ बोलता है डिड यू सी दैट, क्या तुमने ये देखा, इट वॉज माई एम, और ये मेरा निशाना था। ओके डियर स्टूडेंट्स, आवर लेसन इज कंप्लीटेड टुडे, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट न्यू वर्ड्स विच हैज कम इन आवर लेसन। चैटिंग, बातचीत करना होता है, आर्चरी होता है धनुर्विद्या, स्टेयरिंग होता है घूर कर देखना, टारगेट होता है निशाना, डिफेंडिंग होता है अपना बचाव करना, अमेजमेंट होता है हैरानी, ट्रम्फेंटली होता है वीरता के साथ, यानी कि जीत जीत की खुशी में। ओके आई होप यू एंजॉय दिस लेसन, थैंक यू।